यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं कमल कौशिक। सवाल पर बवाल और विवाद के बाद आखिरकार मनोहर सरकार ने ब्राह्मण समुदाय की बड़ी मांग को मान लिया है। बैठक हुई और बैठक में बड़ा फैसला ये लिया गया कि एचएसएससी के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाता है। जी हाँ, सवाल उठ रहा है क्या ये सरकार का ब्राह्मण कार्ड है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज सड़कों पर था, सरकार से नाराज था, आज वही ब्राह्मण समाज सरकार के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो मांगे थी, जायज मांगे थी, सरकार ने मान लिया और खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माफी मांगी है। हरियाणा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। गुरुवार यानी वो दिन जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को किसी विवाद के चलते निलंबित किया गया है। इससे पहले हरियाणा में कभी ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि एक सवाल से उपजे बवाल से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक सवाल जिसने ब्राह्मणों को अपमानित किया था, उसी आपत्तिजनक सवाल के लिए एचएसएससी के चेयरमैन भारत भूषण भारती को सरकार ने सस्पेंड किया है। ये फैसला एक बैठक के बाद लिया गया, वो बैठक जिसमें बीजेपी के ब्राह्मण विधायक, मंत्री और ब्राह्मण समाज के नेता शामिल थे। इसी बैठक में तय किया गया कि भारती को पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि एक शर्त रखी गई है, जब तक मामले की जांच होगी भारती निलंबित है और जांच में दोषी या निर्दोष पाए जाने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने विप्र समाज से जो भावनाओं को ठेस पहुंची, उसके लिए स्वयं उन्होंने खेद प्रकट किया, माफी मांगी, विप्र समाज को ऊंचा उठाया, समाज की जो भावनाएं आंदोलित हुई थी उसके लिए उन्होंने, सरकार के मुखिया ने खेद प्रकट किया, माफी मांगी और एफआईआर दर्ज आज की तारीख में जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज आज की तिथि में होगी। चेयरमैन को सस्पेंड किया, चेयरमैन को सस्पेंड नोट कर, और ये सारी जो कार्रवाई थी, समाज के लोगों ने जो मांग पत्र दिया था, भावुक होकर के उन्होंने ये सब काम किया। ब्राह्मणों से नाराजगी दूर करने के लिए मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया गया है। ये वो सवाल था जिसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को विवादों में ला दिया था। एक सवाल जिसके बाद ब्राह्मण खुद को अपमानित मान रहे थे, जो हरियाणा के सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना रहा। ब्राह्मण इंसाफ के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता रहा, सीएम मनोहर लाल विदेश से आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार सीएम विदेश से लौटे, ब्राह्मणों से बात की गई और चेयरमैन पर कार्रवाई की गई। काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद 19 में तो अपने पूरा हरियाणा प्रदेश का जो भी ब्राह्मण है वो 19 में हम लोग वहाँ सारे इकट्ठे होकर उनको रोड ना सो होने ही नहीं देंगे, ये भी हमारा वादा आपसे लोगों से। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के विरोध में पूरे हरियाणा में ब्राह्मणों का गुस्सा देखा गया। विवाद की वजह बने इस प्रश्न के चार ऑप्शन थे, जिसमें पहला खाली घड़ा, दूसरा फ्यूल भरा कॉस्केट, तीसरा काले ब्राह्मण से मिलना और चौथा ब्राह्मण कन्या को देखना शामिल था। अंत के दो ऑप्शन जिनके लिए ब्राह्मण अपने आप को अपमानित मान रहे थे, अब इसी विवाद पर सरकार की मुहर लगी है और चेयरमैन पर गाज गिरी है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो थोड़ा लंबा जरूर चला है एचएसएससी विवाद मामला, जहां शुरुआती तौर पर चेयरमैन के बचाव में तमाम जो मंत्री हैं वो नजर आए थे, ये जरूर कह रहे थे कि बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो चीफ एग्जामिनर थे उनसे भी सवाल जवाब तलब किए गए, 10 दिन का समय दिया गया था और 10 दिन होने को थे, और तुरंत जब विदेशी दौरे से आए मुख्यमंत्री और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत की, और गुरुवार यानी कि आज ही दिन जो है तमाम जो नेता थे, जो मंत्री थे उनके कैबिनेट के और जो ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात करिए, बड़ा फैसला लिया जाता है कि हम माफी मांगते हैं और चेयरमैन को भी सस्पेंड कर दिया जाता है।
बिल्कुल, चेयरमैन को सस्पेंड किया गया है और जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, तब तक भारत भूषण भारती निलंबित रखेंगे। तो सवाल को लेकर पूरा बवाल रहा। ब्राह्मण समुदाय के लोग सड़कों पर आए और सीएम जैसे ही विदेश दौरे से वापस लौटे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको ब्राह्मण समुदाय के लोगों का सामना भी करना पड़ा। हाथ में तख्तियां लिए कि मैं काला ब्राह्मण हूं, ये बात कही गई, पुतले भी जलाए गए। पूरे ही हरियाणा से इस तरह की खबरें, इस तरह के मामले सामने आए। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में बीजेपी के ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण सांसद और मंत्री शामिल होते हैं और बड़ा फैसला इस दौरान लिया जाता है। तो इसी विषय को लेकर चर्चा हम करेंगे, क्या बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्या ब्राह्मण समुदाय ने जो रोष जाहिर किया था उसका दबाव है, क्या विपक्ष का दबाव रहा, या फिर चुनाव जो है 2019 में उसके सुगुगाहट के चलते ब्राह्मण समुदाय को उठाना या फिर नाराज करना बीजेपी नहीं चाहती थी, जिसके चलते फैसला लिया गया। इसी सवाल का जवाब लेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ, इनेलो से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं और ब्राह्मण नेता हमारे साथ जीएल शर्मा जी हैं, साथ ही ब्राह्मण समाज से ही नेता जितेंद्र भारद्वाज जी हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। राकेश शर्मा जी, क्या ब्राह्मण कार्ड खेला गया है सरकार की ओर से इस फैसले के जरिए? गोविंद भारद्वाज जी नहीं, ये आप इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, अलग विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी संतों के, ब्राह्मणों के और गौओं के शुरू से ही सम्मान देते रहे हैं, ये उनके आचरण में हमेशा प्रकट होता रहा है। आज भी उन्होंने जिस तरह से ब्रह्म समाज का सम्मान किया, ब्रह्म समाज के बीच में जाकर के खेद व्यक्त किया, माफी मांगी, और जिसको आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, उन्होंने सहजता से बड़ा गंभीर विषय ऐसे सुलझा लिया सबको, और वही जो ब्राह्मण समाज नाराज था वही उनकी जय जयकार करते हुए लौटा। अत्र साहब आपके पास आना चाहेंगे। दुष्यंत चौटाला का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा काफी देरी की है और इसमें कहीं ना कहीं जो है देरी के बाद अब जाके माफी मांगना, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को रिझाने जैसा है, क्या 2019 पर नजर रखें, ये भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है, जिस तरह से भारद्वाज जी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं, अगर ऐसा होता 10 अप्रैल को जो एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जिस तरह ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है, 36 दिन लग जाते हैं सरकार को उस पे विचार करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेने के लिए। इससे स्पष्ट नहीं होता कि अगर मुख्यमंत्री जी के नज़र में ब्राह्मणों का सम्मान होता तो 36 दिन नहीं लगते, ब्राह्मण समाज को सड़कों पे आना पड़ता, धरने प्रदर्शन ना करने पड़ते। देखिए होना तो ये चाहिए था, जिस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही, आप भी जानते हैं चेयरमैन साहब के ऊपर पैसे के लेन देन का आरोप लगा, ऑडियो मार्केट में आई, लोगों ने सुना, होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त आयोग को भंग किया जाता, चेयरमैन साहब को बर्खास्त किया जाता। जिस तरह से दलाल पकड़े गए आयोग के अंदर, नौकरियां बिक रही थी, हालांकि वो जिनके लिए दलाली कर रहे थे उनको सरकार ने कुछ नहीं कहा, उनको बचा लिया, लेकिन क्या उस वक्त आयोग को भंग नहीं करना चाहिए था, चेयरमैन साहब को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था? फिर जिस तरह से ब्राह्मण समाज का अपमान किया जाता है ऐसा सवाल पूछ के 10 अप्रैल की परीक्षा में, उसके बाद भी कोई गलती तो मानी है सरकार ने, जो मानी है, लेकिन करेंगे ना, बड़ा आक्रोश था ब्राह्मण समाज का, यह ब्राह्मण समाज का गुस्सा और आक्रोश और जनता विदेशी शर्मा जी, क्या फैसले का स्वागत करते हैं आप लोग? आज अभी मैंने यहाँ भी बयान देखा कि रामविलास जी बयान दे रहे थे, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आए, कुछ आए, 90% समाज आज सरकार के खिलाफ है। चंद लोग इन्होंने समाज को तोड़ने के लिए हमारे में से पिक एंड चूज की राजनीति, पिक एंड चूज की बात ऐसी है राकेश शर्मा जी, और चंद लोगों ने यहाँ बुला के, चंद लोगों ने यहाँ बुला के ब्राह्मण समाज को तोड़ने के लिए, समाज की बात कर रहे हैं, मुखौटा बनाकर समाज को बड़ी मांग को सरकार ने मान लिया है, HSSC के चेयरमैन को सस्पेंड किया गया है, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, सरकार ने मान लिया है, अभी भी आप लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं? ज्योति जी, जो सरकार ने मान लिया है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से मतलब ब्राह्मण समाज के लिए, मेन विषय पर आओ तो अच्छा रहेगा, ब्राह्मण समाज के लिए। अगर
मैंने पूरे हिंदुस्तान में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पहली बार किसी चेयरमैन को सस्पेंड देखा है, हटे हैं, टर्मिनेट हुए हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी मांग थी, ब्राह्मण समाज की मांग थी सस्पेंड किया जाए, अब क्या रह गया सर? FIR लॉन्च की जाए। बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन जब सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है सर, समुदाय की तो मांग यही है, सरकार से समुदाय की राकेश शर्मा जी, जितेंद्र जी से पूछ रहे हैं, जितेंद्र जी आप भी बताइए, आप ब्राह्मण समाज से संबंधित है, क्या सरकार ने जी आपकी बात हो, दोबारा से आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे आप संतुष्ट है जो आज फैसला लिया है, एक्शन लिया है एक बड़ा मुख्यमंत्री ने? मैं ब्राह्मण के नाते यहाँ ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधि हूँ, उसके नाते मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करता, ना मुझे कोई राजनीति चाहिए। हमारी जो मेन डिमांडें थी वो मुख्यमंत्री जी ने माननी, ठीक है। तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण समाज के वहाँ प्रतिनिधि गए हुए थे, जितनी सभाएं थी होती थी, तो सभी संतुष्ट होकर वहां से आए। बिल्कुल। तो मेन बात हमारी थी माफी मांगे, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग ली, ठीक है जी। बाकी रहेगी वो सस्पेंड होगी, उनकी दूसरे पे केस करने की बात, अभी उनकी FIR भी होगी और भी होंगे। तो ब्राह्मण समाज मेरे हिसाब से यही डिमांड थी और वो पूरी कर दिया मुख्यमंत्री ने, हम तो धन्यवाद। ठीक है जी, शर्मा जी, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं है कि ये नाकाफी है आपके समुदाय के? मुझे नहीं लगता, राजनीतिक क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को हो सकता है कोई तकलीफ हो इस विषय में, लेकिन सामाजिक रूप से ब्राह्मण समाज में, जैसे भाई राकेश जी बता रहे थे, मैं इनकी संज्ञान के लिए बता दूं, आज जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल या जो लोग गए थे वहाँ पे, ये बिल्कुल ओपन मीडिया में कल कर दिया गया था, ब्राह्मण समाज को बुलाया गया हरियाणा निवास पे। और जिन लोगों का रुचि थी, जिन लोगों को इस विषय में कोई बात रखनी थी, वो लोग वहां पहुंचे थे, आमंत्रित थे। और मैं राकेश जी को ये भी बताना चाह रहा हूँ, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस और इनेलो के भी ब्राह्मण समाज के लोग, कार्यकर्ता भी वहाँ ब्राह्मण जो अपने बंधु थे वो मौजूद थे। सबकी एक मांग थी, ठीक है, ब्राह्मण समाज अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देश की रक्षा करने वाला, देश को एक सूत्र में परोने वाला समाज था। एक अभद्र टिप्पणी जो आई उस नाते समस्त हरियाणा में नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ देश में आक्रोश था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने आज सबकी बात सुनने के बाद में जो उन्होंने फैसला किया, उन्होंने ये जो शब्द स्वागत योग्य है, मार्मिक थे, लगता है आपको, ठीक है जी। राकेश शर्मा जी, आंकड़ा कहां से लाए थे कि 90% लोग अभी भी परेशान हैं, 10% लोगों को बुला लिया गया, अभी कहा गया ब्राह्मण समुदाय के दो नेता हमारे साथ हैं, वो कहेंगे वही पक्ष होगा ना ब्राह्मण समुदाय का, या फिर कांग्रेस जो कहेगी वो पक्ष होगा? अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हरियाणा रजिस्टर ने पूरे हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों से बात की, उन्होंने कहा हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और ये गोविंद जी, चलिए एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये 2019 की तैयारी है एक्शन मोड के साथ साथ? ये 2019 चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, ये 2019 की तैयारी नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने जो 2012 में ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार किया था, ये उसको हमने सुधार करने की कोशिश की है। ठीक है, अत्रे साहब आएंगे आपके पास, उससे पहले प्रेम शर्मा जी हैं हमारे साथ, किस तरह से तीन कन्याएं मार के चुपचाप बैठे रहे, ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन कल्प्रिट्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। ठीक है, बात विस्तार से पूरी कीजिएगा, विस्तार से पूरी कीजिएगा। नहीं जी, अपने ब्राह्मण समाज होनी भी नहीं चाहिए, इस तरह की बातों पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हुई है राजनीति, अभी भी बरकरार है। प्रेम शर्मा जी से जानेंगे, प्रेम शर्मा जी, अभी जो कहा गया सीएम की ओर से, जो बैठक में फैसला लिया गया कि HSSC के जो चेयरमैन हैं उनको सस्पेंड किया जाता कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, क्या मायने माने जाए अब जाकर इस फैसले के? देखिए मैडम, बात यह है कि दर्द जो है ना, वो दर्द इतना जल्दी भुलाया नहीं जा सकता है। किसी जाति विशेष के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, वो ब्राह्मण की बात नहीं, अकेले ब्राह्मण की बात नहीं, किसी भी जाति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी का दर्द होता है वो बहुत देर तक दिल में रहता है, खटकता भी है। ये जो एक्शन वाली बात है, एक्शन हो गया ठीक है, लेकिन ब्राह्मण इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाला नहीं है कि भाई उसको सस्पेंड कर दिया। पहली तो बात यह है कि जिस किताब के अंदर ये लिखा गया है कि ब्राह्मण सारा ब्राह्मण अब सुगन है, ब्राह्मण कन्या खाना इस तरह का वो सुगन है, इस तरह की बातें किताब में भी नहीं लिखी जानी चाहिए थी।
और ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल में सस्पेंड कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिकेशन वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आज आज समाज का प्रेम जी जो जो लोग मिले थे उसमें तय कर दिया, मेरे ख्याल में उससे आगे बढ़ के वो गए हैं कि जिन लोगों ने किताब पब्लिश की है उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये 12 में छपी किताब 12 से लेकर के आज 2012 की किताब नहीं पढ़ी जिस पे आज कांग्रेस के नौकर ने कानूनी कार्रवाई की। उस मामले से संतुष्ट हो गए आप अपने ब्राह्मण समुदाय के दो नेता हमारे साथ पैनल पर है जिनको लगता है कि जो मांग की गई थी वो मांग तो मान ली सरकार। देखिए ज्योति वही बात है, देखिए जिस वक्त पहले भी हमने इस मुद्दे पे चर्चा की यहाँ पे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि आए हुए थे और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त उनकी मांग ये थी कि आयोग को भंग किया जाए, चेयरमैन साहब को बर्खास्त किया जाए, चाहे तो आप वो पुरानी रिकॉर्डिंग निकलवा के बिल्कुल कहा गया। और जब ये धरने प्रदर्शन अलग अलग जगह हो रहे थे तो ब्राह्मण होने के नाते मुझे भी बुलाया गया था, मैं उन प्रदर्शन में गया था और वहां पे भी यही डिमांड रखी गई कि आयोग को भंग किया जाए, चेयरमैन साहब को बर्खास्त किया जाए। अब यहां पे सवाल आ जाता है कि बजाय चेयरमैन साहब को बर्खास्त करने के उनको सस्पेंड किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि कानून और नियम के हिसाब से जो 3 साल के लिए चेयरमैन बनता है उसमें सस्पेंशन का प्रावधान नहीं है, सीधा सीधा हटाने का प्रावधान है जिसको बर्खास्त बोलते हैं। तो यहां सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सस्पेंशन की बात करके ब्राह्मण समाज को भरमाने की कोशिश की है। होना यह चाहिए था कि चेयरमैन साहब को हटाते, बर्खास्त करते, अपना दूसरा चेयरमैन बना लेते, क्या फर्क पड़ता है। आपके सवाल लूंगा गोविंद जी, क्या लगता है जैसे कि हुड्डा साहब भी आज बयान में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनता के दबाव में, ब्राह्मण समाज के दबाव में और कुछ मंत्री भी नाराज थे, उस दबाव में फैसला लिया गया, क्या ये सच है? ये दबाव नहीं, ब्राह्मण समाज की भावनाओं का आदर किया गया है। और ये जो विषय मेरे विद्वान भाई कह रहे हैं अत्री जी कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, संविधानिक और वैधानिक दो शब्दों को समझने की जरूरत है। मैं जवाब दूंगा इसका। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन संविधानिक है, संविधानिक है, और ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये वैधानिक है, ये हरियाणा सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड किया है क्योंकि कहीं नहीं लगता है कि भारती जी का कहीं गोविंद जी, अगर आप भारती जी जिस चिट्ठी से अपॉइंट किए गए थे उस चिट्ठी को पब्लिक कर दीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि किन नियमों के तहत उनको अपॉइंट किया गया, क्या वो सस्पेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, संतुष्टि आ जाएगी। इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो चिट्ठी को पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक कर लो क्या, वो जो पब्लिक कर रही है साहब सरकार, आपकी सरकार है, आप करोगे, मैं थोड़ी कर दूंगा, हम कर देंगे, पब्लिक कर दीजिए, आपकी यदि मांग मानने को तैयार है स्वीकार कर दीजिए उसको, पब्लिक बात की मांग मानने को तैयार है। आप क्या कह रहे थे, देखिए यहां पे ये बोल के जाएंगे लेकिन कल पब्लिक होनी चाहिए। 1 महीना 8 दिन के बाद भी सस्पेंड करने के बाद कहते हैं हम इंक्वायरी करेंगे, एक छोटे से झगड़े के लिए भी आधे घंटे में एफआईआर लॉज होती है थानों में, तो क्या 38 दिन लगे सरकार को? बाबू जी मर्डर के केस में भी इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी होने के बाद सजा होती है, ये तो सरकार इसमें सरकार आप बताओ ना, भारतीय एडवोकेट से सवाल लेंगे भी भारती जी की इंक्वायरी कौन करे, सरकार कमेटी बनाइए, सरकार को नहीं पता इंक्वायरी कौन करे। राकेश जी मुख्यमंत्री जी राकेश जी का है, राकेश जी बड़ा निकल चुका है, निकल चुका है ना, आप ये मानते हैं अध्यक्षता में। गोविंद भारद्वाज जी सर, आपने बड़ी बात कही अभी कि इसमें चेयरमैन की क्या गलती है, आप केवल नैतिक जिम्मेवारी, केवल नैतिक जिम्मेवारी पहले से ही कि वो दायरे से बाहर है, गोपनीयता में माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के सामने इंक्वायरी कर कर उनका दोष मिला, वो जो आपने अभी कहा कि उनकी गलती नहीं है, गलती नहीं है तो क्लीन चिट है। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिएगा मुखिया के नाते उनको हटाया गया, वो दायरे में नहीं आएंगे। अगर इंक्वायरी में वो दोषी पाए जाते हैं तो आपने कहा उनकी गलती ही नहीं है, जांच से पहले पैनल पर कैसे बोल दीजिएगा कि उनकी गलती नहीं है? एक बार ये कहते हैं कि अगर दोषी पाए गए तो उन पर जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, दोषी पाए जाएंगे सर उनकी गलती नहीं है, ये कैसे कह देंगे? शब्द में कहा वो दोषी कहा दोषी पाए जाएंगे तो पहले कैसे साफ हो जाएगा कि गलती नहीं है? पहली बात तो गोविंद जी जैसे कहते हैं कि उनकी गलती नहीं है, यही चरित्र जो
भारतीय जनता पार्टी का लगातार जांच से पहले क्लियर कैसे होगा गलती है। सीएम साहब विधानसभा में उनको क्लीन चिट दे देते हैं, बराला साहब उनको अखबार में क्लीन चिट दे देते हैं, दलाले पकड़े जाने के बावजूद सीएम साहब क्लीन चिट देते हैं, सीएम साहब ने तो कल भी दी थी क्लीन चिट, और गोविंद जी यहां बैठ के दे रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि जो आप कह रहे हो कि जांच के बाद अगर दोषी पाया जाता है, क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाने वाले हो? कौन सी जांच करवा रहे हो? कौन करेगा जांच? ये तो बता दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जांच करवा दें, जो सीएम के नीचे कार काम करते हैं कर्मचारी, वो जांच में वही लिखेंगे जो सीएम चाहते हैं, या तो जुडिशियल इंक्वायरी करवा दीजिए। समझ में आता है जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है साहब, पता लग जाएगा गलती है या नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी करवा दीजिए। आप सारे उस कॉन्टेंट्स को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एफआईआर लॉज करा रहे हैं, एफआईआर लॉज होगी, जिन्होंने पेपर सेटर्स थे वो लोग भी यूनिवर्सिटी के कोई डीन होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, जिसकी जानकारी आपको भी समाचार पत्रों से आप लोग दी साहब। आप ये बात मानते हो कि सचिव साहब, आप मुख्य सचिव की जिम्मेदारी बनती है, आप मानते हो कि चेयरमैन साहब की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी? मानते हो या नहीं मानते? जैसे उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने उस पर कार्रवाई की है, उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने जो संज्ञान लिया, उन्होंने जो नोटिस दिए, उसके जवाब पेपर सेटर से जाने के माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। 10 अप्रैल को ये एग्जाम होता है, उसके बाद काफी समय बाद प्रश्न लोगों को मालूम होता है, 75 नंबर पर ये प्रश्न था, उसके बाद काफी लंबा समय हो जाता है, फिर 10 दिन की जो है जांच की बात कही जाती है। तो एक तरफ से अपमानित तो महसूस कर रहा था ब्राह्मण समाज, लेकिन क्या लगता है कि अब ये जो एक्शन लिया गया है, कड़ा एक्शन, इसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्या ऐसे नहीं लगता कि अब आपको रिझाने के लिए, या जो गैर जाट एक वोट माना जाता है बीजेपी का, उसके लिए सब कुछ किया गया है, 2019 के लिए किया गया है? देखिए, जिस वक्त हमारे जो साथी दूसरे हैं समाज के, मैं भी वहीं मौजूद था, ये भी मौजूद थे, जिस मुख्यमंत्री जी आए उनके सामने जब बातें रखी गई तो उन्होंने बताया कि ये विषय मेरे संज्ञान में आ गया था जिस वक्त मैं बाहर जा रहा था, और मैंने तुरंत तो फोन करके अपने चेयरमैन को बोला कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। और जैसे ही मैं आया, आते के साथ ही कल मैं पहुंचा हूँ, आज आपके संपूर्ण समाज को मैंने आमंत्रित कर लिया है, और मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, माफी मांगता हूँ दिल से। और उन्हें ये भी कहा कि केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, जो किताब छपी है सर्व समाज के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, और जो किताब छपी है उन लोगों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई कराऊंगा। इसलिए समाज वहां पे संतुष्ट हुआ जी ने एडमिट किया कि उनके विदेश जाने पे जब उन्होंने चेयरमैन साहब को कार्रवाई के लिए बोला, ठीक है, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी सीएम साहब चेयरमैन को क्लीन चिट दे रहे थे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने जो बोला वो आप गलत जगह ले रहे हो, कि समाज के सामने जो हम समाज की डिमांड थी, जो समाज का काम था, जो समाज चाह रहा था, ब्राह्मण समाज का सम्मान किया, और जो ब्राह्मण समाज की मांगे थी वो सहृदय मुख्यमंत्री ने मानी, और हमारा हरियाणा का समाज ब्राह्मण समाज संतुष्ट। सुनिए, आपने पिछले जवाब में कहा कि सीएम के जैसे ही संज्ञान में आया एक्शन लिया गया, सीएम के संज्ञान में था, उसके बाद सीएम विदेश दौरे पर जाते हैं, उसके पीछे से जो चीजें होती है पूरा बवाल भी होता है, फिर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की जाती है, उसके बाद सीएम आते हैं, हालात को देखा जाता है, बैठक की जाती है, फिर फैसला लिया जाता है। आप कहते हैं संज्ञान में आते ही एक्शन लिया, संज्ञान में आते ही एक्शन लेना था चेयरमैन ने, और चेयरमैन ने लिया, कि जो पेपर सेटर्स थे उनको नोटिस दिए गए, उन्होंने जवाब दिए, उनके जवाब से संतुष्टि या नहीं संतुष्टि की रिकमेंडेशंस माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके एसएससी के चेयरमैन ने दिया है आते ही। एक महीना 8 दिन लगे इस काम में, अभी इंक्वायरी पेंडिंग, पैनल पेंडिंग। गोविंद भारद्वाज जी, राकेश जी, समाज को देखिए, ब्रह्म आप राजनीति खेल रहे हो, विषय अलग है, कांग्रेस के राज में 3 कन्याओं के साथ बलात्कार और हत्या हुई, आप तो एक मुलजिम तक नहीं ढूंढ पाए, गांव वालों ने ढूंढ लिया, आप क्या बात कर रहे हो? आप राजनीति छेड़ने पर गिरेबान में नहीं जा रहे हो, भारद्वाज जी ब्रह्म समाज संतुष्ट है, मौजूद है, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। प्रेम जी, क्या लगता है, आप अपने विवेक से आप बताइए, पूरे मामले को आप देख रहे थे, जो ब्राह्मण समाज है वो खुश दिखाई दे रहा है, कहीं हमने बयान भी सुने हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि जो रोड शो के लिए मुख्यमंत्री साहब जाएंगे हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यानी कि जो विपक्ष अब राजनीति कर रहा है, या वाकई में सवाल उठाना लाजमी है, सही है, जायज है? प्रेम जी, हाँ जी, हाँ जी जी, आपसे सवाल ऐसा जी, आज मुख्यमंत्री ने इस पे आपने टिप्पणी दी है जी, और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक दो दिन बाद पता लगेगा कि ब्राह्मण इस बात से संतुष्ट हुआ है या नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि
इतना जल्दी ब्राह्मण समाज इस बात से संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह से जाति के ऊपर टिप्पणी की गई है उससे पूरा समाज की भावनाएं बहुत ही ज्यादा आहत हुई है। और मैं तो कहता हूँ इसमें जो है ना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए, जो इस तरह की भाषा बोलता है, जो किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करता है, उसको उसके खिलाफ दंडनीय अपराध होना चाहिए। क्योंकि पहले हरियाणा का कई बार इस तरह से जाति विशेष पर टिप्पणी करके भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि हरियाणा का भाईचारा पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल थी। जितेंद्र जी जैसे कि कह रहे हैं कि क्या वाकई में एक दो दिन का समय लगेगा, जो बाकी के जो लोग हैं ब्राह्मण समाज के, क्या कहीं ना कहीं असमंजस में अब भी होंगे कि हमारा अपमान है और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा? और आपसे सवाल मेरा भी आपसे सवाल है, त्रिसाप ने भी कहा अभी आप लोगों की मांग तो सस्पेंड किए जाने की थी ही नहीं, आप लोगों की मांग ये थी कि बर्खास्त किया जाए, आयोग को रद्द कर दिया जाए, वो मांग जो थी बड़ी वो तो सरकार ने अभी तक जितना नजर आता है नहीं मानी, आप लोग संतुष्ट भी हैं और एफआईआर लॉन्च की जाए? जितेंद्र जी आप लोग संतुष्ट भी हैं, आप लोगों की बड़ी मांगे अभी भी बरकरार थी? मेरे हिसाब से सीएम साहब ने माफी मांग ली है, एक डिमांड ये थी सीएम साहब माफी मांगे, ठीक है। दूसरी थी जिन्होंने ये पेपर सेट किया उन पे एफआईआर हो, केस दर्ज हो, वो भी डिमांड पूरी होगी। तीसरी थी भारती जी को हटाया जाए, तो अब उन्होंने सस्पेंड किया, अगर ये सही उससे इसकी इंक्वायरी होती है, दोषी पाए जाते हैं तो देखिए जो सरकार का पक्ष है त्रिसाप, शुरुआत में कहा जाता है कि ना आयोग ने देखा है प्रश्न पत्र जो है, ना चेयरमैन देखते हैं, वो परीक्षा जो हाल है उसी में जाकर उसे देखा जाता है, उसके बाद जानकारी मिलती है, तो कैसे जांच करवाई जाएगी, कैसे जांच पर विश्वास किया जाए? देखिए ज्योति ऐसी बात है, सरकार कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ा दुख होता है मुझे, दुख इसलिए होता है कि 10 तारीख को जो एग्जाम होता है जिसमें ये सवाल आता है, पब्लिक डोमेन में सवाल आ जाता है, सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री या चेयरमैन जो लोग बैठे हैं, क्या किसी एक का बयान इसके खिलाफ आया, क्या किसी एक ने पब्लिक में आके विरोध दर्ज करवाया? दुख होता है इस बात का। और आज जिस तरह से सरकार के इस कदम को जस्टिफाई, देखिए रामविलास शर्मा जी की ओर से भी कैप्टन कर रहे हैं, नहीं ब्राह्मण समाज नहीं की ओर से सभी ने इसको कंडेम किया, पब्लिक डोमेन में आके किसी ने विरोध किया हो, कोई प्रदर्शन धरने पे बैठा हो, इस चीज की बात कही हो, किसी ने धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है, हम सरकार के व्यक्ति हैं, धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है। आपने 36 दिन के बाद 36 दिन लगे आपको, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि धरने पर बैठने की क्या जरूरत थी, हमने एक्शन लिया, कह रहे हैं कि हम सरकार के आदमी धरने पर नहीं बैठ सकते। शर्मा है हमारे साथ, ब्राह्मण नेता फोन लाइन पर है, लगातार शर्मा जी आप सुनिए सर, आप जवाब दीजिएगा, आपसे मैं सवाल भी करूंगी, राकेश शर्मा जी आप तो सवाल करेंगे, जवाब दीजिएगा विस्तार से। फिलहाल बालमुकुंद शर्मा है हमारे साथ, ब्राह्मण नेता फोन लाइन पर जुड़े हैं, शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि जो एचएसएससी के चेयरमैन को सस्पेंड किए जाने का फैसला है इस पूरे बवाल के बाद, क्या वो काफी है? जी ज्योति जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जी ज्योति जी, ये सस्पेंड करने के बजाय इनको बर्खास्त करना चाहिए था, यही ब्राह्मण समाज की मांग थी शुरू से, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंड का इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इसी जवाब के साथ ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कि ब्राह्मण समुदाय की मांग ये थी कि बर्खास्त किया जाए, आयोग को रद्द कर दिया जाए, और जो मांग पूरी की गई है वो ये है कि सस्पेंड कर दिया गया है, जांच जारी है। जी हाँ, क्या ये बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड है, क्या 2019 को देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, मुख्यमंत्री माफी मांगते हैं, जहां पहले तमाम जो मंत्री थे वो चेयरमैन के, जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनके बचाव में उतर रहे थे, लेकिन आज तमाम जो मंत्री हैं चाहे वो ब्राह्मण समाज से संबंधित हो, वो यही कह रहे हैं कि ये जो जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसकी निंदा करते हैं, और जो भी फैसला मुख्यमंत्री साहब ने लिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गोविंद भारद्वाज जी, आपसे सवाल ये है कि क्यों ना कहा जाए कि ब्राह्मण कार्ड आप लोगों ने खेला है, जब एचएसएससी सवाल ये देती है कि पंचायत का मुखिया राष्ट्रपति है, जब 1 और 11 का मतलब गायब हो जाना हो जाता है, जब पगड़ी उतारना का मतलब जो उत्तर है सही उत्तर है एचएसएससी को लगता है सेवा करना है, तब आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं, जब ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर आ जाता है, जब वोट बैंक खिसकता नजर आता है, तब एक्शन लिया जाता है, ये आरोप है आप लोगों पर। ऐसा है ज्योति जी,
जब तक कोई कंप्लेनर नहीं होता है, जब तक किसी ने शिकायत या विरोध नहीं दर्ज होता है, तब तक चीजें संज्ञान में आती है। मामला अदालत में गया है सर, अदालत ने फटकार लगाई है, जुर्माना भी लगाया गया है एचएसएससी पर। किस पर? एचएसएससी पर जुर्माना लगाया गया है, मामला अदालतों में गया है, युवा सड़कों पर आए थे, प्रदर्शन किया गया, उन पर एक्शन हुआ ना, उन पर एक्शन हुआ ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी किसी ने कंप्लेंट्स की, उस पर एक्शन लिया गया है। संज्ञान में आते ही विषय को गंभीरता से लिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सबका साथ सबका विकास और हरियाणवी एक हरियाणा एक, ऐसा नारा देकर के हम सत्ता में आए थे। हम उसका ख्याल रखते हैं, हमारा किसी ब्राह्मण से, राकेश शर्मा जी, हरियाणा एक हरियाणवी एक है, तो वो युवा भी इसी हरियाणा का हिस्सा है जो परीक्षा देती है। आप युवा और जवान क्यों कर रहे हो? जो हरियाणा एक हरियाणवी, देखिए गलत तो गलत है ना, गोविंद भारद्वाज की बात करो, गलत तो गलत है ना। अगर उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया और अभी एक्शन लिया जाता है, तो क्यों सवाल ना किया जाए कि ब्राह्मण समुदाय के वोट बैंक के लिए बीजेपी ने कार्ड खेला है या फिर नहीं? राकेश शर्मा जी, ज्योति जी, सरकार को एक छोटा सा एक्शन लेने में, सस्पेंड करने में 1 महीना 8 दिन लग जाते हैं। 1 महीना 8 दिन में इनको कहीं भी ब्राह्मण समाज नजर नहीं आता। जब पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ गया, जिला अध्यक्ष को मेमोरेंडम दे दिया और इन्होंने देखा कि अब ये ब्राह्मण हमारे से पूरा नाराज हो गए। मुख्यमंत्री शर्मा जी, देखिए शिकायत तो आप लोगों से भी है, विपक्ष ने कितना साथ दिया उन युवाओं का, जब एक समुदाय विशेष सड़कों पर आता है जिसका बड़ा वोट बैंक भी नजर आता है, कांग्रेस भी साथ आ जाती है, युवाओं के साथ कितने आए आप लोग? नियम युवाओं के साथ है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस युवाओं से और मुद्दों से नहीं होती है। कांग्रेस तो वोटों की राजनीति करती है, कहां वोट मिल सकते हैं। कभी लिंगायत का मामला उठाएंगे, कभी जाटों का मामला उठाएंगे, कभी इनेलो की बात। अभी भारद्वाज जी ने कभी, पिछली बार ब्राह्मण समाज ने हमारी मदद की जी, भारतीय जनता पार्टी की, और हम सत्ता में आए। जितेंद्र इसका मतलब इनको लगा कि ब्राह्मण समाज हमारे से किस कराया, इसलिए इन्होंने 8 दिन के बाद आज ये छोटा सा एक्शन देकर ब्राह्मण समाज को चुप करने की कोशिश की। ब्राह्मण समाज, मैं आपको कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, ब्राह्मण समाज इस बात से संतुष्ट नहीं है। जितेंद्र जी को कहना चाहते हैं, उनसे भी सवाल भी ले लेते हैं। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता नहीं है कि एक तरफ अपमान हो जाता है, उसके बाद माफी मांग ली जाती है, तो अब जो है इसका फायदा भी राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं कि जो ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेंगे और उनको वोट देंगे अच्छे से। ऐसा बयान हमने तो कहीं सुना नहीं जी, नहीं दिया ऐसा बयान कहीं नहीं है। दिया कि वहां मैं मौके पर पहुंचा, नंबर है मौके पर ब्राह्मण ब्राह्मण चंद लोग ब्राह्मण को पकड़ने के लिए ऐसा बयान दिया है। ऐसा बयान सुनिए मेरी ब्राह्मण समाज का कोई ऐसा बयान नहीं है। बात दिक्कत वाली बात है, सर सुना होगा तभी बोला है, रिपोर्ट दिखाई थी उसमें वो बयान भी था। नंबर दो बात जो चीज है, केवल माफ करना, मैं केवल बीजेपी का प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। पर भारद्वाज जी, आप ब्राह्मण समाज के हक की बात भी करो, आप तो टोटली बीजेपी की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज कौन सा परशुराम दल है जो इनको झंडे जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए, उनसे जवाब ले लेते जी। जितेंद्र जी देखो, राजनीतिक फायदा तो ये राजनीतिक लोग उठाएंगे जी, हमें तो कोई राजनीति करनी नहीं है जी। हमारी जो डिमांडें थी वो मुख्यमंत्री जी ने माननी है, ठीक है जी। अब हमारा तो ये है कि निष्पक्ष, मुकुंद शर्मा ने कहा कि मांग को बर्खास्त किए जाने की थी, मांग को बर्खास्त किए जाने की थी, जिसने ये कृत्य ये गलत कार्य किया। सर आपको मालूम था कि ये बर्खास्त करने की भी मांग थी? बर्खास्त का तो नहीं था, आपके नॉलेज में नहीं था? नहीं, बर्खास्त का नहीं था। फिर सवाल उठेंगे अगर आप कहेंगे कि बर्खास्त करने की तो मांग ही नहीं थी। इस सवाल का जवाब नहीं आया कि पंचायत का मुखिया राष्ट्रपति बता दिया जाता कि तब इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया कि विपक्ष युवा के साथ नहीं आया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले विधानसभा सत्र के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में युवाओं के साथ किस तरह से धोखा हो रहा है, ये बात सबसे पहले अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में उठाई थी। और उस वक्त आपको ये भी याद होगा, बाकायदा विधानसभा परिसर में प्रेस को ये जब बोला गया कि जिस दिन डेरा प्रकरण हुआ, 4 लोग मोटरसाइकिलें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जली, ये सारी बातें अभय सिंह जी ने उठाई थी। और अभय सिंह जी ने उस वक्त ये मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार की नींद तो उसके बाद खुली है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक। देखिए हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नारे को अगर सही मायनों में मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो ये प्रदेश इस तरह से 4 साल में 3 बार ना चलता। पहले जाट, फिर राजपूत, फिर दलित और अब ब्राह्मण, समाज के हर वर्ग को अपमानित करना, आपस में बांटना, ये कोशिश रही है
और इसी वजह से पूरा समाज जब ब्राह्मणों को अपमान किया गया, समाज का हर वर्ग ब्राह्मण वर्ग के साथ एक सवाल जिस वक्त चेयरमैन के खिलाफ ऑडियो आई थी आपने उस वक्त संज्ञान क्यों नहीं लिया? वही सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल ले रहा हूँ, विधानसभा में विधानसभा में जब अभय चौटाला ने जसविंदर सिंह ने करण दलाल के लिए सवाल उठाया था, आप की राजनीति नहीं करते, आपने बीजेपी सबके साथ की राजनीति करती है, ये तो आप करते हैं, ऐसा ना करो, ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं आप, रुकेंगे रुकेंगे, आप जवाब लिया जाना है, गोविंद कुमार जी ये रेलो करती है, कर रही है रेलो, जात पात्री की बात करती है, कर भी अच्छा कर सकते हैं जी, मेरे तो चेयरमैन को दीजिए भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी, प्रवीण अत्रे साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, गोविंद भारद्वाज जी सवाल तो उठेगा, पहला जो एपिसोड रहा उसके बाद शर्मा जी सर सुनिए प्लीज सुनिए, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया, उसके अलावा जब भर्तियों में धांधली की बातें आती हैं, ब्लैकमेल किए जाने की बातें आती हैं, तब क्या जांच की जाती है? सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी जाती है कि वो दायरे में नहीं आएंगे, जांच के दायरे में नहीं आएंगे। अब ब्राह्मण समुदाय नाराज है, सीएम को काले झंडे दिखाए जाने की धमकियां दी जाती है कि रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे, तब ये फैसला लिया जाता है कि चेयरमैन सस्पेंड रहेंगे। मुझे क्षमा करेंगे आप, क्या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के बाद जब मुख्यमंत्री जी हिसार में रोड शो पे जाते हैं, इनेलो को क्यों तकलीफ हुई कि वो काला तीर लेकर पहुंच गए? इनेलो ने क्या किया? इनेलो का कार्यकर्ता साहब, इनेलो का कार्यकर्ता नहीं है आपको, आप जाके आपको आपको ये हुआ कि ये मुद्दा तुम्हारे हाथ से निकल गया, उसका कोई नया काम करो, ये कौन सा तरीका है? उसका फेसबुक अकाउंट चेक कीजिए, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ उसकी फोटोएं लगी हुई है, वो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इनेलो को बदनाम मत कीजिए, इनेलो अच्छा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, इनेलो का देता हूँ, इनेलो जैसा जैसा न्यूज चैनल से आया है, उसका जैसा न्यूज चैनल से आया है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ अगर वो अकाउंट पे, अगर वो कांग्रेस का भी है, अगर वो कांग्रेस का भी है, चर्चा नहीं है, आज ये बोलो ये विषय नहीं चर्चा है, नहीं दिशा से पहले तो भारतवाजी ये डिसाइड करें वो किस पार्टी का है, नहीं ये विषय नहीं चर्चा का, बड़ा चर्चा कर लेंगे, सुरक्षा में सेम तो लगी है लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं है, इस विषय पर चर्चा नहीं है, विषय पर रखेंगे जी। गोविंद जी आपसे यही सवाल है, बार बार वही जिक्र आता है कि पहले आपने देखा कि किस तरह की हिंसा हुई है आरक्षण को लेकर, जब जाटों ने हिंसा की थी और आप पर भी आरोप लगे थे, आपने भी आरोप लगाए, फिर आपने उनको ढील भी दी, डेरा से सच्चा सौदा को लेकर भी जो हिंसा हुई है, और अब जो है ब्राह्मण समाज भी आपसे नाराज हो गया था लगभग, आपने कहीं ना कहीं एक्शन ले लिया, ब्राह्मण समाज विद्वान समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वो इस तरह से बहक कर सड़कों पर नहीं आता, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और इस सारे मामले को उसने बुद्धि के हिसाब से सुलझाया है। ये दबाव था क्या आपके? दबाव आपके? क्या होता है, हम जनता के लोग हैं, जनता की सरकार है, जनता की हर भावनाओं की हम कदर करना चाहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी बिरादरी की हो। जब हर मांग मानी ली है, ऑलमोस्ट मानी ली है, और अगर देखे तो राकेश जी अब ये भी कहा गया है कि जांच तक सस्पेंड रहेंगे और कड़ी कार्रवाई तब भी करेंगे अगर दोषी पाए जाते हैं, तो अब दिक्कत क्या है आपको? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सस्पेंड नहीं होता कोई भी, कमल जी, हमेशा टर्मिनेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे समाज की मांग थी भी जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया, उनके खिलाफ एफ आई लॉज हो और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो। आज ये कहते हैं कि हम इंक्वायरी कमीशन में एफआईआर भी करवाई जाएगी, ये कब 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 होगी? 38 दिन लग सकते हैं मैडम, 1 महीना 8 दिन लग सकते हैं मुख्यमंत्री को फैसला लेने में, 1 महीना 8 दिन। और मेरे 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 भाई, मेरे बड़े भाई भारद्वाज जी कह रहे हैं कि बहुत कम समय है, 38 दिन भी बहुत कम समय है। ब्राह्मण समाज आपके समय में 2012 का केस, 3-3 लड़कियां मर गई, आपने उनको फांसी चढ़ा दिया, जेल में भी ब्राह्मण समाज के लोग पकड़ कर लाए, तब आप कहां थे? आप बात करते हैं दूसरों को, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम, समाज की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार नहीं पकड़ सकी, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। दोहरी बात तो मत रखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए जिम्मेवारी इनकी बनती है कि प्रदेश में कैसे शांति बहाल की जाए, और 4 बार हरियाणा जल गया इस 4 साल में, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार। किनकी वीडियो कैसेट सामने आई? जितेंद्र भारद्वाज जी सर, आप ब्राह्मण समुदाय
आप दोनों लोग चिंतन करें कि जलाने वाले हरियाणा को कौन थे, उसके राकेश शर्मा जी विषय पर रहिए सर, विषय पर रहिए आपने राकेश जी एक बार भी स्वागत नहीं किया इस फैसले का, क्यों नहीं? स्वागत का फैसला नहीं है, ब्राह्मण समाज से खुश नहीं है। पहल तो की है बड़ी, मानते इस बात को, पहली बार ऐसा हुआ चेयरमैन का सस्पेंड किया गया है। अभिनंदनीय बात हुआ पार्टी के रूप का, कांग्रेस कैसे डिसाइड करेगी? राकेश शर्मा जी उन्होंने करना चाहिए, लेकिन रुकिए एक बार के लिए रुकिए, कांग्रेस कैसे डिसाइड करेगी कि ब्राह्मण समुदाय खुश है या फिर नहीं? दो नेता हैं हमारे साथ समुदाय के, दोनों संतुष्ट हैं, संतोषजनक फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि 90% लोग जो है समुदाय के अभी भी नाराज है। सर ये राजनीति नहीं तो क्या है फिर? अहिंसा में रहते हैं राकेश शर्मा जी, ये राजनीति नहीं तो क्या है फिर? सुनिए सुनिए शर्मा जी सर, सुनेंगे राकेश शर्मा जी, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ब्रेक से पहले भी जवाब नहीं दिया आपने इस बात का। पहले समाज की बेइज्जती की जाती है आएंगे और 38 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के लोगों को वहां बुला के, एजुकेशन मिनिस्टर को वहां बुला के दीपा पोती करके कहते हैं जी सारा समाज खुश है। देखिए तो क्या इसकी सराहना, क्षमा से बड़ा कोई वो नहीं होता है। मैं मानता हूँ आपकी बात, आप और ये बड़प्पन, ये बड़प्पन माननीय मनोहर लाल जी ने दिखाया कि ब्राह्मण समाज के सामने उन्होंने भोजन मन से कहा मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। बयान दे दिया कि परशुराम दलम का स्वागत करेगा रोड शो में, रोड करेगा ब्राह्मण समाज झंडिया लेके सड़क पे खड़ा होगा, हर अच्छी चीज का स्वागत करने का काम है। इतने दरिया दिल है, दूसरे दिन एक्शन लेते हैं, शब्दों की गलती की वजह से कह गए। वो बोले मुख्यमंत्री जी ने भोजन मन से माफी मांगी, अगर भोजन मन से माफी मांगी तो उस माफी का औचित्य क्या रहेगा? उचित क्या है? भोजन मन से माफी मांगी तो माफी नहीं होती, उनको उनको वेदना थी तो ये गलत काम हुआ है। आप समझो मेरा उस शब्दों का अर्थ मैं पहले कह दिया, मैंने खुद कहा प्रेम कुमार जी हैं जी, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी आप चर्चा में शामिल हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, जो दो ब्राह्मण समुदाय से लोग यहां पर मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि हम संतुष्ट हैं, जांच होगी और आगे अगर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई तो उस पर भी हम विश्वास करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक दो दिन का वक्त लगेगा ब्राह्मण समाज के तमाम जो लोग हैं उनको देखने का कि वाकई में अब नाराज हैं या उनको संतुष्टि है। जी ऐसा है, इसमें जो है ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भाई लोग डिबेट में भाग लेते हुए कभी कांग्रेस और इन लोग की बात करते हैं, इसमें राजनीति कहाँ से आई? और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मेरी तो ब्राह्मण नेताओं से भाइयों से ये अपील है कि वो मुख्यमंत्री पे इस बात के लिए दबाव बनाए कि एक्शन हो, क्योंकि आज तक जितने भी आयोग बैठे हैं, जितनी जांच आयोग बैठी हरियाणा में, बताओ किस जांच पे फैसला हुआ, किस जांच के खिलाफ एक्शन हुआ है? हरियाणा में सबसे पहले संयुक्त पंजाब के अंदर दास कमीशन बिठाया गया था, उस दास कमीशन से लेकर के ढींगरा आयोग तक बता दो किस पे एक्शन हुआ है। ठीक है गोविंद भारद्वाज, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ब्राह्मण समाज संतुष्ट होने वाला ठीक है? क्या जांच ऐसी होगी जो कि नजर आएगी या फिर खाना पूर्ति कर दी जाएगी जांच के नाम पर? गोविंद भारद्वाज जी देखिए जांच पूरी पारदर्शिता से होगी, जांच को सबके सामने रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर जांच में दोषी पाए गए तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, और जांच में लगा कि दोषी नहीं है तो फिर से बहाल भी किया जा सकता है। अच्छा बहाल भी किया जा सकता है, ये भी एक पॉइंट है। चलिए आखिरी आखिरी कमेंट के लिए किया जाता है जीएल शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपका इस चर्चा को लेकर। मेरे विचार से जब समाज आज मुख्यमंत्री से बात कर रहा था उनकी भावना से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो निसंदेह मतलब आत्मा से ये बात कह रहे थे कि भाई मुकदमा दर्ज होगा। आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा एफआईआर लॉज होगी, तो उनसे ब्राह्मण समाज हर अच्छे काम का सराहना कर रहा है। केवल एक चीज, और वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जिस तरह भारद्वाज जी ने एक बात कही, मैं नहीं चाहता भ्रम की कोई स्थिति बने। भारद्वाज जी आपको स्पष्ट कर दूं, इंडियन नेशनल लोकदल कतई इस तरीके को पसंद नहीं करती और
लोकतंत्र में इस तरह का विरोध अच्छी बात भी नहीं है जिस तरह से मुख्यमंत्री शाही ठीक है, ठीक है, लेकिन वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये बात मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इनेलो का नाम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो बीजेपी को कितना चुनावी नुकसान हो सकता था समुदाय की नाराजगी से, वो अब कम से कम दूर हुआ कि ये बात कही गई है और ब्राह्मण कार्ड खेले जाने की कोशिशें की गई है। एक बार फिर से देखना होगा कि आने वाले समय में ये जांच कब पूरी होती है, और जांच पूरी होती है तो क्या जो एचएसएससी के चेयरमैन है उनको क्लीन चिट दी जाती है या वो दोषी करा दी जाती है, उनको बर्खास्त किया जाता है। बिल्कुल, बड़ी बात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।